भाई आज हम जबरदस्त आप लोगों के लिए मुहर्रम के हवाले से जो है लेकर आएंगे डेक वाली जो हलीम बनती है। और मज़े की बात यह है कि हलीम जो है किसी स्पेशल चीज़ की बन रही है, हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। अभी ये देखें सारी लाइन से, एक लाइन से डेक लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ यूसुफ राजपूत। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कैसे हो तालिश? मैं ठीक ठाक ठीक ठाक। यूसुफ भाई क्या बना रहे हैं आज, मुझे बताएं। आज हम बना रहे हैं हलीम। हलीम बना रहे हैं? हाँ। ये क्या मिला रहे हैं आप? ये प्याज। ये प्याज है? हाँ ना। ये कैसे काटा आपने इसको? और क्या, किस चीज से काटा है? हमने छुरी से। छुरी से काटा इसको? हाँ। ये किसने पानी में मिलाया, किसने मिलाया? तेल में भाई। तेल में? पानी में कौन मिलाता प्याज? अच्छा, पानी में मिला, तेल में मिलाते हैं। ठीक है ठीक है। अभी क्या कितना डालना होता है प्याज के अंदर? भाई देखें, ये माशाल्लाह से चार देखे हैं। अच्छा मुझे बताएं यूसुफ, मैंने सुना हलीम तो दाल और उसकी बनती है ना, जौ की बनती है, चीज़ की बनती है, तो आप ये क्या प्याज से बना रहे हैं? हाँ ना, पहले कोरमा बनाएंगे ना भाई। अच्छा कोरमा बनेगा जी, तो इसमें इसमें क्या कोरमा बन रहा है, बाकी और में क्या बन रहा है? पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे? हाँ। तो रेड क्यों नहीं करते? अरे फिर वही बात भाई, ब्राउन होती है प्याज। अच्छा ब्राउन होगी, रेड तो अभी है, अभी रेड का है भाई, अभी तो ये मुझे व्हाइट व्हाइट सी लग रही है। अच्छा चलो अभी रेड हो जाएगी। अच्छा और कितनी देर तक पकाना होता है प्याज को? यार इसको हम बताते हैं जब तक इंटील ब्राउन ना हो जाए। अच्छा हम इसको फ्राई करते हैं, अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करेंगे इसके अंदर? ये आपने डेक के अंदर डाल दिया है जी? सारी मिलाएंगे, थोड़ी सी नहीं मिलानी होती? नहीं नहीं, सारी एक साथ फ्राई होती है। ठीक है। अच्छा यूसुफ भाई, ये नीचे ये लकड़ी से क्यों बना रहे हैं, चूल्हे पे क्यों नहीं बना रहे इसको? नीचे चूल्हे पे क्यों नहीं बना रहे, लकड़ी पे बना रहे हैं आप? देखो भाई, कुछ लोग चूल्हे पे बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ी पे बनाते हैं, लेकिन जो मजा लकड़ी पे, जो लकड़ी का मजा है वो चूल्हे पे नहीं। जो बात है, ये बात तो है। लाओ चम्मच दिखाना जरा। अभी क्या इसको खिलाएंगे? अब ये नहीं बोलना है खाने का चम्मच है। हाँ खाने का चम्मच है, क्या खिलाएंगे इसको? हाँ। कितनी देर तक खिलाना होता है? खिलाना जितनी देर तक आपको लगे कि अंटिल ब्राउन, अंटिल ब्राउन हो गया। हाँ। ब्राउन होने तक खिलाना है इसको? नहीं नहीं, अभी थोड़ा हम छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे इसको? हाँ। प्याज को छोड़ेंगे? अच्छा प्याज छोड़ेंगे। हाँ, तेल में, तेल में थोड़ी देर के लिए ताकि ब्राउन हो जाए। सही है भाई, अभी ब्राउन हो रही है। ये आगे क्या चल रहा है? अब इधर ये दाल और गंदम डाला हुआ है। दाल और गंदम? हाँ। इसके अंदर किस में, पानी में डाला है, ऑयल में डाला है? पानी में, ये देखो। अच्छा इसको ऑयल में क्यों नहीं डाला आपने? अगर इसको ऑयल में डालेंगे तो फ्राई नहीं होगी दाल? फ्राई? हाँ दाल फ्राई। फ्राई थोड़ी बनानी है। सही 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 है, सही है। अभी क्या, ये दाल फ्राई नहीं है, हलीम है। हलीम है? हाँ भाई। ये भाई देखे लाइन से कितने डेके लगाए भाई यूसुफ भाई आपने? माशाल्लाह पांच डेके भाई मेरे, पांच डेके हर साल माशाल्लाह। खुद वो दाल निकाल के शक्ल तो दिखाएं इसकी कैसी है। अच्छा दिखाएं जरा क्या चल रहा है। कितने देर पहले आपने लगाई थी? ये देखें, अपने आप बताता हूं, हमने एक घंटा पहले डाली थी। एक घंटे पहले डाली थी जी? ये देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो ये हलीम बनने वाली है, कोई आम बंदे घर के, मतलब जो गली के लौंडे लपाड़े होते हैं, वो नहीं बना रहे, ये यूसुफ शेफ। आप उनको गूगल करें, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा बनाते हैं। और हम कवर करने के लिए खास तौर पे आए हैं कि भाई यूसुफ भाई हलीम कैसी बनाते हैं। बड़ी मेहरबानी, हम आपको एंड में दिखाएंगे भाई कि हलीम बनती किस तरह। ये हली दिखाओगे? अरे खा के टेस्ट करके बताएंगे यूसुफ भाई, अच्छी होगी तो बताएंगे, गंदी होगी तो वो भी बता देंगे, मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस ठीक है। ये देखें, नियाज अच्छी होती है हमेशा माशाल्लाह। ये देखो क्या और जबरदस्त। तो यूसुफ भाई मुझे बात बताएं, कितने कितने टाइम में ये रेडी हो जाता है ये? यार मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई, हाँ चार से पाँच घंटे में तैयार हो जाए। अच्छा मुझे ये तो बताया, मैंने अभी तो किसी को, लोगों को वीडियो में बताया नहीं था कि ये किस चीज़ की हलीम बन रही है। मैंने सुना किसी स्पेशल चीज़ की हलीम बन रही है। हाँ मैं बताता हूँ, चिकन हलीम। चिकन हलीम? क्योंकि बीफ तो आजकल कोई खाता नहीं है। बीफ तो हर जगह खा रहे, सही कह रहे हैं, बीफ तो हर जगह खाई जाती है। सही है, लेकिन मैं हर साल बनाता हूँ माशाल्लाह से चिकन हलीम। चिकन हलीम बनाते हैं बस। चलें भाई, आज हम आपके लिए यूनिक लेकर आए। आपने बीफ हलीम तो बहुत खाई होगी, हर जगह बन रही होती है मुहर्रम में, आज ये चिकन हलीम बन रही है। और हम आपको यूसुफ भाई की खास तौर पे सीक्रेट रेसिपी भी दिखाएंगे, रिवील करके दिखाएंगे कि भाई यूसुफ भाई चिकन हलीम ये लकड़ी पे कैसी बना रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हमारे साथ फ्राई होना शुरू भाई, आगे के फ्राई हो रहा है बस आगे। यूसुफ भाई अभी क्या, ये टेम्परेचर मुझे क्या रखना होता है? टेम्परेचर ये टेम्परेचर बताया ना, कितनी देर तक, मतलब ऑयल को कितना गर्म करना होता है, जो लोग देख रहे हैं उसको फॉलो करें। ये गनमन क्यों निकाल रहे हैं आप, ये गोली मार रहे हैं? गन नहीं निकालना भाई, ये क्या मीटर है, टेम्परेचर मीटर है। ओ हो भाई, लेटेस्ट ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर बता रहे अभी ये 89। तो कितने टेम्परेचर पे पकवा, हमने इसको 150 पे निकालना है, 150 पे बाहर निकालना यार। ये तो यूसुफ भाई, ये तो वॉल वॉल के बाहर होता है, जो गार्ड वर्ड चेक कर रहे हैं। ये देखो, ये भाई ये देखें, ये गन, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, बॉइलिंग 80 होता है। इसके बाद इसमें इंशाल्लाह डालेंगे हल्दी, हल्दी डालेंगे और नमक। हल्दी किस कलर की होती है? हल्दी दुनिया को पता है, हल्दी के कलर की होती है, हल्दी कलर की होती है, मतलब कलर पीला होता है, पीला। हाँ अच्छा, तो भाई हमारी हल्दी आ चुकी है। हल्दी किस कलर की, पीली कलर की है जी भाई, ये लाल कलर की क्यों नहीं होती? अरे फिर वही बात, ये कितनी हल्दी मिलानी होती है सुबह? देखें हमारा एक अंदाजा है, हमारी रेसिपी है, हम अपनी रेसिपी के हिसाब से। ये कितना अंदाजा, क्या दो मुट्ठी? हाँ दो मुट्ठी, दो मुट्ठी की हल्दी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, ये कितने कितने किलो, मतलब इसके अंदर कितना किलो आपने वो डाला हुआ? 12 किलो।
12 किलो उसके अंदर क्या डाला भाई? अनाज 12 किलो डाला हुआ, उसके अंदर दो मुट्ठी हलीम डाल देनी है। हल्दी हल्दी डाल देनी है। हल्दी क्यों डाल देनी है? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया? हाँ मिस्टेक नहीं हो। ओके ला दे भाई। अब आप क्या मिला रहे? अभी हल्दी पूरी कर रहे हैं। ये भी हल्दी है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। दो मुट्ठी पूरी हो गई भाई। यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया। पसीने इतने आ रहे हैं। एक और डालेंगे, एक मुट्ठी मुट्ठी और डालेंगे। ये आधी मुट्ठी डालनी है जी? ऐसे आधी आधी मुट्ठी। ये देखिए जबरदस्त जो है ना, ये हमारी डलेगी बाकी कोरमे में। कोरमे में डलेगी? अच्छा ये कोरमा रेडी हो रहा था ना ये शुरू में। अब ये क्या भाई? नमक? ये आटा नहीं है? आटा कौन डालता है? अच्छा नमक है। बिस्मिल्लाह। नमक कितना डालना होता है? एक मुट्ठी नमक। ये इससे भी एक मुट्ठी डलेगी? बिल्कुल ऐसा ही। जबरदस्त भाई। इससे भी नमक कौन सा मिला रहे हैं ये तो बताएं मुझे। नमक? हाँ ये हमने इंपोर्ट करवाया है। इंपोर्ट करवाया है? टर्की से इंपोर्ट करवाया है। हाँ। भाई यूसुफ भाई ये कुछ भी करवा सकते हैं है ना। बस हाँ। फिर आ जाओ बिस्मिल्लाह करके। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद इंतजार करेंगे। यूसुफ भाई ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये हम दाल डाल रहे हैं। ये कौन सी दाल है यार? ये सफेद दाल कहता हूँ मैं तो। सफेद दाल कहते हैं? इसका नाम क्या है यार? दालों के नाम नहीं आते, सॉरी। दालों के नाम नहीं आते भाई? देख लें भाई ये दाल होती है। दुकान में जाए दिखा देना ये दाल। दाल के साथ पानी मिलाया है, तेल मिलाया, क्या मिलाया? मैं आपको बताता हूँ, इसमें 6 किस्म की दालें डलती हैं। माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल। माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल और एक और दाल डलती है जिसको हम लाल दाल कहते हैं। लाल दाल वो कब डलेगी? वो भी डलेगी अभी। अच्छा शुरू में मुझे पहले प्रोसेस बताया कि पहले क्या डाला? गंदुम गंदुम और चने की दाल। गंदुम और चने की दाल आपको डाल के आपने इसको उबाल लिया। अच्छा इसमें एक और चीज डलती है, ठीक है वो क्या? वो है अल्लाह आपका भला करे जौ। जौ लेकिन मैं नहीं डालता। क्यों? बस ऐसे ही मुझे नहीं पसंद। बाकी जौ भी डलती है इसमें। जौ भी डलती है इसमें। टोटल 12 किलो दालें और गंदुम डलता है। 12 किलो दालें और गंदुम। हाँ इसको हम कम से कम 8 घंटे भिगोते हैं। ठीक है। अच्छे से धो के वॉश करके भिगो देते हैं। ठीक है। उसके बाद पहले गंदुम और दाल डाली जाती है। ठीक है। तकरीबन 1 घंटा गंदुम और दाल उबलती है। ठीक है। उसके बाद हम 1x1 करके सारी दालें डालते हैं। ठीक है। 1 घंटे बाद, आधे आधे घंटे के गैप से। ठीक है। जब सारी दालें डल जाती हैं हल्दी और पानी में और नमक में, उसके बाद हम इसमें हल्के हाथ से गोटा लगाते हैं। ठीक है गोटा लगा दें। अभी गोटा लगाने में कितना टाइम है? अभी हमारे पास अभी भी विदन वन आवर अभी आ रहे हैं। हाँ, बना रहे अभी हमारे बना रहे। बस सही है। जिसको हिला हिला के क्यों डालने आप? अबे हिला हिला के मतलब बैलेंस हो जाए ना, बराबर हो जाए। बराबर हो जाए, किसी में ज्यादा और किसी कम ना हो। अच्छा 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 भाई इस वजह से डाल रहे हैं। हिलाना जरूरी होता है। हिलाना जरूरी होता है। हाँ जितना हिलाए काम नहीं चलेगा। ये देखे हिलाऊंगा तो बैलेंस होगा। सही सही। अच्छा बैलेंस कर रहे हैं हिलाने के लिए। हाँ हिलाने के लिए बैलेंस कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही है। ये देखें माशाल्लाह दाल खत्म हो गई। दाल बराबर माशाल्लाह डेढ़ डब्बा। ये देखें भाई कलर, देखें कलर क्या डेक के अंदर कलर देखें क्या कलर आया था अंदर। ये क्या अभी अब पूरा निकालेंगे आप हाथ लगा के? बिल्कुल ऐसे ही हाथ हाथ लगाए निकलता नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से पूरी आधा डब्बा गया है। ये एक मुझे मुझे बात बताइए यूसुफ भाई जी, ये एक बेग कितने की रेडी हो जाती है? यार देखें आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। मैंने तो माशाल्लाह से ज़्यादा नहीं तो 9000 रुपये तक। 9000 रुपये में चिकन की डेग? और अगर यही कोई बीफ की बनाते तो वो कितने में रेडी हो जाती है? तकरीबन आप 12000 कर लें। 12000 कर लें जी। ठीक है भाई। हमने बीफ की जो है हलीम तो बहुत खाई है, लेकिन आज चिकन की खाएंगे फिर बताएंगे। तो भाई ये कौन सा ऑयल? ये कहाँ पे डार्क कलर येलो कलर के कौन सा? ये दाल है दाल। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ अबे भाई अभी तो सारी दालों के नाम बताए। इसका नहीं, इसका माश की दाल है। ये माश की दाल है। और जो पहले थी वो व्हाइट वाली दाल, क्या नाम था उसका? वो यार वो मूंग की दाल थी। मूंग की दाल थी। ठीक है ये उस पर भी एक एक जग डालेंगे जी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कलर देखें आप, इसके अंदर से येलो येलो कलर का हो गया पूरा। अभी भी अच्छा खासा प्रोसेसर है। अब हम इसको आधा आधा डब्बा इसको भी डालेंगे। अच्छा जैसे पहले डाली थी जैसे, सब बराबर। ठीक है भाई बैलेंस। ठीक है भाई बैलेंस नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। देखिए भाई यहाँ इसे डेगे बन रही है और ये सारी बनने के बाद जो यूसुफ भाई ये क्या गरीबों में तकसीम करेंगे क्या करेंगे? माशाल्लाह से हम हर साल हाँ सब पैक होता है। सही है। गलियों में और हम जाके उन एरियाज में जाते हैं जिन एरियाज के लोग यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है। जो पूरा साल ऐसी चीज़ों से लुत्फानंदोज नहीं होते महरूम रहते हैं। हम तो खाते रहते हैं। ठीक है। हमारे रिश्तेदार भी खाते रहते हैं। सही बात है। मेरी कोशिश होती है उन तक पहुँचे जिनका हक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अभी जैसे देख रहे हैं इसमें दाल मिला रहे हैं, फिर आगे का प्रोसेस के बाद वाला प्रोसेस क्या होगा यूसुफ भाई? बस अब इसके अंदर घोटे लगेंगे। घोटे लगेंगे चने में जब तक ये दालें डल रही हैं, हम आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो भाई जैसे आप देख लें अभी कलर ऐसा जबरदस्त से निकल के आ गया। यूसुफ भाई अभी बताएं कि अभी आपने इसके बाद क्या क्या मिला है? अभी इसमें क्या क्या मिला है इसके बाद? मतलब इसके बाद अभी हमने इसमें लाल दाल डाली थी। लाल दाल और चावल। लाल दाल और चावल वो कितनी किलो किलो मिलाई है आपने? सब किलो किलो
एक किलो दाल एक किलो चावल। अब क्या मिला रहे हैं ये? सीक्रेट। ये क्या है, ड्रग्स है? नहीं बताऊंगा। बता दें क्या मिला है, ये बताएंगे नहीं, सीक्रेट है। ये क्या मिला रहे हैं? नजर लग जाती है। ये क्या है, बताई नहीं जाती। नमक मिला रहे हैं क्या मिला रहे हैं ये तो बता यार। अब ये चीनी डाल रहे हैं दाल में। चीनी? हाँ। चीनी तो नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है ये। क्या है आप बता दें क्या है ये? अजीनो मोटो। ये क्या होता है? अजीनो। ये किस चीज से बना होता है? फ्लेवर एनहांस होता है। ये क्या है? चिकन हली में ना इसलिए हम डाल रहे हैं। चिकन हली में डालते हैं? और अगर बीफ हो तो नहीं डालेंगे? मर्जी है, चिकन एनहांस, वो फ्लेवर एनहांस करने के लिए डाल। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिलेगा? बस अब इसमें मसाले डालना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज तो आप भूल ही गए। क्या आए? चिकन डल चुकी तेल में। अच्छा, चिकन डल गई है। ये क्या हमारा कोरमा तैयार होता जी? ये हो रहा है। क्या क्या मिलाया था आपने मुझे पहले बताया? हमने कुछ नहीं, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ठीक है, वो कितना डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट? इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 किलो। 2 किलो जी। और इसके बाद? और ये चिकन कितनी, ये नहीं पूछेंगे? चिकन कितने किलो डाली? 25 किलो। ये चिकन ऐसी होती है जी? ऐसी होती है। ये आपने क्या पूरी चिकन डाली? कैसे पीस करवाए? 4 पीस है। 4 पीस इसमें चिकन है। और कितने किलो चिकन है ये? ये बता तो दिया आपको मैंने। कितने अभी तक? अरे बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप। गजनी हो ना? गजनी है। ओहो, देखिए ये है 32 किलो चिकन। 32 किलो चिकन जी, माशाल्लाह सर। कलर दिखाएं जरा, बाहर तो निकाल के। अभी कहाँ, अभी तो इसमें सामान डलेगा, अभी तो सिर्फ इसमें हल्दी डाली है। अभी हल्दी डाली है। अब इसके बाद क्या मिलने वाला है इसके अंदर? अब इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ठीक है, और ये बाकी सारे क्या कर रहे हैं? हिला रहे? ये हिला रहे भाई, गोटा पूरी रात तक हिलाते रहेंगे। पूरी रात तक इनको गोटा ही हिलाना है सर। गोटा हिलाना है। ये भाई क्या कर रहे हैं, नीचे लकड़ियाँ लगा रहे हैं? ये आग लगा रहे हैं। आग लगाने का है भाई आपका? आग लगा रहे हैं भाई। अब क्या मिलाएंगे इसमें? अब आएंगे देखेंगे। ये थैली में क्या है? ये थैली में क्या है? हाँ, दिखाएं जरा क्या है ये। एक मुट्ठी लाल मिर्च की कीमत तुम क्या जानो। एक मुट्ठी लाल मिर्च। अब आप क्या, ये लास्ट है, कुरमे में डलेगी जी सर। तो चटपटा यहाँ से शुरू होना ना? चटपटा यहीं से होगा। ये एक मुट्ठी डल गई भाई। बता रहा हूँ आपको, जो ये हलीम बनने वाली है, कोई आम बंदा हलीम नहीं बना रहा है, ये यूसुफ भाई बना रहे हैं। और ये हमारे बहुत अच्छे यूसुफ भाई, आपका थोड़ा तारुफ तो करा है कि आप शेफ है, क्या शेफ है, किस चीज़ का शेफ है, क्या करते हैं? बेसिकली मैं चैनल्स पे जो है, आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट? टेम्पर वगैरह की? अरे फिर फूड कमर्शियल भाई। अच्छा, फूड कमर्शियल। फिर क्या दिखाते हैं आप? हल्दी ये डाल दो, धनिया डाल दो। धनिया ऐसा होता है? अरे धनिया तो हमने हरा कलर का देखा था। ये क्या मिला रहे हैं? ये हरा ही होता है। ये क्या मिला रहे हैं? ये पाउडर में कहाँ से आया? धनिया भाई, धनिया। ये पाउडर आपने खुद बनाया है, बाहर से लिया? हमने लिया, पिसावा सूखा धनिया। ये भी एक एक मुट्ठी? जोर से ला। ये भी एक मुट्ठी? बिल्कुल सर, एक एक मुट्ठी। ये जबरदस्त, आप देखें जबरदस्त कलर आ गया। अभी मिक्स कर रहे हैं भाई। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? धनिया ये वही धनिया है। ये वही धनिया है, पूरी रेसिपी है ना धनिया। अच्छा, भाई ये देखें जबरदस्त लुक आ गया। बाकी सारे भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे, सारे मिल के हिला रहे हैं, पूरी रात तक हिलाएंगे। ये तो भूल गए आप, ये क्या है? अरे ये नहीं पता आपको? नीम के पत्ते। बताओ, नीम के पत्ते डालते हैं नीम में? तो फिर क्या डाल रहा है ये? यार कड़ी पत्ता है ये। कड़ी पत्ता? हाय हाय हाय, क्या ये खड़ा रहता है क्या ये? बिल्कुल, अबे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। सही है। अब क्या कुछ रह गया है? बहुत कुछ। अब क्या है? प्यार मोहब्बत जो हमने डालनी है इसमें। वो कैसे मिलाएंगे आप? देखें अभी मिलाते हैं। ये क्या है? ये जादू का पाउडर। ये जादू का पाउडर? ये क्या मिलाया आपने? गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें डालेगा गरम मसाला कोरमे में? चिकन कोरमा भी जबरदस्त रेडी हो गया, बुद्धी बड़ी जबरदस्त से आ रही है। सारे भाई काम कर रहे हैं, ये भाई यहाँ पे बैठ के हवा मार रहे हैं, मशीन से आग लगा रहे हैं, उनका काम आग लगा रहे हैं। अब ये सुबह इसमें क्या मिला रहे हैं आप हलीम में? गरम मसाला। हिलाओ सही से हिलाओ, सही से हिलाओ, एक एक मुट्ठी सब में डलेगी। सही से लाओ भाई, तुम भी सही से लाओ। इसको देखें पहले, ये जिंदगी में पहली बार मेहनत कर रहा है ये शख्स। अच्छा भाई, हाँ मेहनत अजमत में। और देख लें आप मेहनत के साथ कोरमे का रंग देखें खाली। अभी प्याज नहीं डली इसमें। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, कोई आम बंदा ये हलीम नहीं बना रहा है, यूसुफ भाई बना रहे। यूसुफ भाई मुझे दोबारा बताना क्या आपने बताया, मैं कमर्शियल वगैरह छोटा सा इंसान हूँ। हाँ, ये तो तालिश भाई की मोहब्बत है। हाँ, मैं एडवर्टाइजमेंट में जो फूड स्टाइलिंग होती है उसको स्टाइल करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा बता दूँ, आप शायद मेरे ख्याल से जो KFC वगैरह के एडवर्ट बनते हैं उसकी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। मैकडॉनल्ड्स,
उसके बाद आपके शान नेशनल। जैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो केएफसी वगैरह के जो आप देखते हैं हम, ये चिकन विकन जो रेडी होता है, ये मतलब ऐसे ही होता है या आप लोग उस पर कुछ करते हैं, मतलब जो कमर्शियल मार होता है और वैसे रियल में मिलता नहीं है, क्या सीन होता है? होता ही है कि जाहिर सी बात है, हम जब भी ऐड बना रहे होते हैं तो ऐड में हमें फेक फूड पे काम करना पड़ता है, थोड़ा सा हम फेक फूड ठीक है भाई, अगर आपको हमारा फूड एपेटाइजिंग लगे, खूबसूरत लगे। अब देखिए, अब इस कोरमा अगर मैं ऐसे प्लेट में दे दूँ आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर ऐसे सजा दूँ ऐसे खा लेंगे, लेकिन पिक्चर में देखने में अच्छा लगना चाहिए। भाई मैं आपको थोड़ा बता दूँ, यूसुफ भाई जो है, अगर आप देखना चाहते हैं कि यूसुफ भाई की रेसिपी कैसी होती है, यूसुफ भाई खाना कैसे बनाते हैं, यूसुफ भाई का अपना भी चैनल है, उसमें किस नाम से चैनल है आपका? मेरा चैनल है यू शेफ के नाम से फेसबुक पे, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तीनों पे पूरा बताएं, पूरा बताएं कैसे क्या नाम है। इंस्टाग्राम पे मेरा यू पूरी स्पेलिंग के साथ बताएं ना, वाई ओ यू शेफ सी एच ई एफ 2020 इंस्टाग्राम है मेरा, ठीक है, और यू शेफ ठीक है मेरा आपका यूट्यूब है, ठीक है, और यूशेफ मेरा फेसबुक, ठीक है। बाकी हलीम अभी देखें, गुरमे में गोटा लग रहा है, मजे मजे के खाने बनाते रहते हैं यूसुफ भाई, और अपने घर वालों को भी खिलाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यह कोरमा जो है रेडी होने वाला है, फिर हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या मिला रहे हैं सर? ये वही ब्राउन प्याज है, ये प्याज ब्राउन होगा, इसका कहते ब्राउन हो जाएगी जी, ब्राउन करके हमने इसको कूट लिया है, ठीक है, कूट लिया है। कूटने के बाद हम इसको कटाई की है इसकी, ऐसी वैसी कटाई की, अब आप देखें कैसी हो गई है। हाँ भाई, कटाई के बाद तो हर बंदा सीधा हो जाता है, ये हो गई है। अब ये डाल रही है माशाल्लाह से देख में। ये कितनी किलो प्याज थी आपने मिलाई है भाई? ये माशाल्लाह 16 किलो प्याज थी, 16 किलो प्याज है जी, और ये 5 डेगों में मुझे मिल जाएगी, मतलब जी 4 डेगों में, 4 डेगों में। हाँ, एक डेग में कोरमा बन रहा है जी, एक में कोरमा। ये वही वाली प्याज है जो मतलब पहले डेग में थी, अभी इन्होंने पहले उसके बाद निकाल ली थी इसको फ्राई करने के बाद, अब ये दोबारा से ब्राउन होने के बाद दोबारा से कोरमा मिल रही है। ये देखें, ये मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये आप क्या मिला रहे हैं यूसुफ भाई इसमें? मजबूत और टिकाऊ बनाने, मजबूत टिकाऊ क्या प्लास्टर और पैरिस? अबे नहीं भाई, दही है यार, दही है। कितनी मिलानी होती है दही? यार देखो, वैसे तो इसमें तकरीबन हमें डालनी थी 8 किलो। हाँ, अभी कितनी डाली आपने? 6 किलो। ये कम क्यों कर दिया? पैसे कम पड़ गए थे क्या? नहीं यार, फिर दही खत्म हो गया था दुकानदार के, दही खत्म हो गया था। अच्छा, अभी वो मुहर्रम का भी मौसम भी तो चला, मौसम खाली। अच्छा, मुहर्रम का मौसम होता है वो, मुहर्रम का महीना 9-10 का दिन। अब चेक करो कोरमे का कलर, 9-10 कलर आ गया भाई। बीफ हलीम तो आप तो खा ही रहे होंगे, लेकिन ये चिकन भी हलीम बन रही है, कलर देंगे ज़बरदस्त। और यूसुफ भाई अपने हाथ से इसको हिला रहे हैं, दूध पड़ा हुआ दूध के लिए यार। ये क्या मिला रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। मिलावट? हाँ ना, वो सब करते हैं। और क्या, क्या मिलावट? पानी। पानी? हाँ ना, ये पानी क्यों मिला रहे हैं यार? देखो, पानी इसलिए मिला रहे हैं कि हमारी देगी हो रही है, जो हमारी जो हमारा दाले है ना, हाँ, वो गाढ़ी हो रही है। आपकी दालें गाढ़ी हो रही हैं? हाँ, तो हम क्या करें, कोरमा थोड़ा पतला कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं कोरमा, तो हम डालेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कोरमे का ही पानी उसमें डलेगा, दालों का, ठीक है, लेवल हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, और धोखा लगते लगते दोबारा वो अपने उसी लेवल पे आगे खड़े, ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया। सारे सीक्रेट तुम पूछ लो मुझसे, हम तो सीक्रेट पूछना है आपके, सारे सीक्रेट रिवील करेंगे आज। तो भाई अभी यहाँ पे कोरमा रेडी हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं भाई कोरमा हिला रहे हैं, बाकी ये सारे बच्चे मिलके जो है हलीम हिला रहे हैं, पूरी रात इनको हिलाना है यहाँ पे खड़ोगे। ये भी आप क्या कर रहे हैं खड़े में फारिक? यार मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ ना, आप भी हिलाएं जरा, पता चले आपको कितनी मेहनत होती है। बिस्मिल्लाह करें, जरा जोर लगाए, बिल्कुल जोर लगा के हिलाना था, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, हाँ जान भी लगानी पड़ती है, जोर लगाओ और दो। अच्छा, ये नीचे से भी हिलना चाहिए ना? नीचे से, ताकि गेहूं और दालें रगड़े में आए। ये जैसे बच्चे हिला रहे, देखो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे कितनी जान लगा रहे हैं। देखिए मुझे भी हिलाना आ गया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है भाई, बहुत अच्छे। आ जाए, अब थक गए होंगे आप। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये अब हम हड्डियाँ अलग कर रहे हैं और गोश्त अलग कर रहे हैं, हड्डियाँ अलग कर रहे हैं, गोश्त अलग कर रहे हैं। ये बन गया है जी माशाल्लाह से कोरमा हमारा। अच्छा, ये कितनी देर तक बन करके रखा था, खोल के रखा था, ये पूरा बताया? तकरीबन हमने इसको 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, और तेज आंच में, तेज आंच पे, हाँ, ढक्कन लगा के बंद करके, बिल्कुल बंद करके, बंद करके। देखिए कोरमा जबरदस्त हो गया, वाकई ये तो भाई रेशे रेशे हो गए। तो हाँ, बस अब इसमें हड्डियाँ अलग करनी है हमने और हलीम में डाल के मिक्स करना है, बस और कुछ नहीं करना, बस बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई गोश्त निकल चुका है, और गोश्त का यूसुफ भाई ये क्या कर रहे हैं अभी? उधेड़ लें पकड़ के, उधेड़ लें अभी। देखें भाई, चिकन को सबको अलग अलग करा जा रहा है यहाँ पे बैठ के, सब अलग अलग कर रहे हैं है। और हम भी कर रहे हैं इसको, फिर इसके बाद क्या करेंगे? डेग में डालेंगे बस, अब तो डेग में डाल के घुमाना है, बस डेग में डाल के घुमाना है। ये देखें हड्डियाँ निकली थी चिकन के साथ, चिकन की हड्डियाँ अलग कर दी गई है, ये पड़ी है,
और रेशे बना दिए हैं, और उसके बाद लास्ट प्रोसेस ये होगा कि अब ये सारा जाएगा डेक के अंदर। जी सर। और फिर हम इसको आगे दिखाते हैं कि भाई जाएगा हमारे पेट के अंदर। फिर जाएगा पेट के अंदर, और जैसे देख रहे हैं रात में स्टार्ट किया था, अभी दिन हो चुकी है। पहले गोश्त के पीसेस हो गए, हड्डियाँ अलग कर दिया, अब ये गोश्त, अब जो है इसे पे कितने कितने मिलाने हैं, ये कितने कितने मिलाने हैं, कितने कितने मुट्ठी का हिसाब रखा हुआ आपने? हिसाब से आपने डेक में कितने मुट्ठी मिलाई आपने? तकरीबन चार चार। भाई जितनी भी डेक नज़र आ रही है आपको, सब में जो है हिसाब से मिलाना है, दो मिला रहे हैं तो सब में दो, किसी में चार मिला रहे हैं सब में चार, ये वाला सब में ज़बरदस्त चला चल गए। हलीम हो गया अभी, हलीम जो है अभी मुश्किल से एक घंटे की देर है, अभी हलीम रेडी हो जाएगी, रात से बना रहे हैं और सुबह भी हो गई है। उसमें उस डेक से क्या निकाल के ला रहे हो आप? पानी। दोबारा पानी क्यों मिला रहे हैं? पानी यार देखो, अभी अभी ना थोड़ी कसर बाकी है दालों में, और थोड़ा सा कड़कपन है। अभी कड़कपन है, पानी डालने से नरमपन आ जाएगा, थोड़ा गोटा लगेगा ना। सही है, सही गोटा, दाल खुल जाएगी। भाई हमारी हलीम रेडी हो गई है। जूसी भाई कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? सब जिसकी तैयारी है, जिन्होंने पूरी रात मेहनत की है, वो मेहनत का मजा भी लूटेंगे। अच्छा भाई, जबरदस्त। अभी क्या ऐसे ही सर्व करेंगे इसको या कुछ सजाए बजाएंगे? सजाएंगे बच्चों, थोड़ी जगह दो भाई। फूल पत्ते लगाएंगे इसको क्या? ऐसे हटो भाई, बच्चों हो गए, बच्चों तुम लोग तो मजा आएगा। यूसुफ भाई अभी क्या कर रहे हैं? यूसुफ भाई आप क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं यूसुफ भाई अपना काम जो हमेशा से करते हैं। अच्छा, यूसुफ भाई ने पूरी रात गाली करने के बाद अभी गार्निशिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। ये क्या लगाया साइड पे आपने? ये साइड पे क्या लगाया? हाँ यार, ये वही है जो रात से ब्राउन हो रहा है। क्या? प्याज? प्याज। अच्छा, हाँ। कितना लगाना होता है प्याज? यार देखो वो आपकी मर्जी है कितना लगाना है, लेकिन मुझे तो ब्राउन प्याज बहुत पसंद है। हरा हरा क्या मिलाया आपने अभी? तो वो मैं डालता हूँ हरा हरा। अरे भाई पुदीने के पत्ते हैं। अच्छा, पुदीने हलीम के पत्ते नहीं खाई कभी तुमने? नहीं, हलीम तो आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा ना। सही है, चिकन वाली? चिकन वाली। और ये चिकन देखो, वाली। ये क्या लिया? मजा चेक करना खाली तुम इसका, सिर्फ ये इसका टेस्ट इकट्ठा होता है ऐसा वैसा चेक कर रहे हैं भाई। ये सारे बच्चे बैठे हैं, मैं भी हलीम का इंतजार कर रहा हूं। पार्टी करेंगे सारे बच्चे मिलते हैं, पार्टी होने वाली है। शक्ले में छुपो बेटा तुम लोग। चले जो भाई, कितने 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 लींबू मिलाने होते हैं इसमें? भाई देखें बच्चों को थोड़ा सा चटपटा करके देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया हमारा फाइनल टच, खुशबू तो जबरदस्त। ये क्या मिला रहे हैं? सॉल्ट बे। ये सॉल्ट बे, ये क्या? ये है क्या? अच्छा मसाला भाई, ये जबरदस्त। कितना मिलाना चाट मसाला आपका? अपना बना हुआ है, सीक्रेट विक्रेट है या कुछ? नहीं, नहीं, ये डब्बे वाला है, ये हमने होममेड बनाया हुआ अपना। होममेड? जी बिल्कुल भाई, जबरदस्त भाई, यूसुफ भाई का। चलो बच्चों खाओ, स्पेशल बना हुआ। चलो बच्चों जल्दी खाओ, चावल। आज हम ये देखो चम्मच पकड़ाओ भाई, आज हम बच्चों से रिव्यू कराएंगे। चलो भाई, चलो भाई खा, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ सारे। ऊपर बताओ इसका टेस्ट कैसा है? मजा नहीं आ रही यार। चलो भाई एक एक करके बताना सब टेस्ट कैसा है, ठीक है? एक एक करके बताना सब टेस्ट कैसा है। हाँ बेटा टेस्ट कैसा है? हमजा आप बताओ टेस्ट कैसा है? अभी तुमने खाया नहीं, बहुत अच्छा है, पहले बोल दिया। जल्दी खा के बताओ, सच्ची सच्ची बता ना कैसा है। आप बताओ बेटा कैसा है? तुम बताओ बेटा कैसा है? अच्छा है, मजा आया भाई सबको। चले भाई, भाई अभी हम भी खाएंगे और फिर हम टेस्ट करके बताते हैं। मैं यूसुफ भाई के कैसा बना है तुम खाओ जी। अब आप बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा हलीम? अभी यूसुफ भाई टेस्ट तो करने। अच्छा चलें टेस्ट करने। अभी हम ये हलीम देखें, हलीम जबरदस्त है। ये चेक करें, यूसुफ भाई ने इसमें जबरदस्त ही गार्निशिंग की हुई है। अभी हम यहाँ से ये मसाले वाला उठाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और बताते हैं सीन कैसा है। ईमानदारी से बताइएगा। एक मिनट, हाँ मैं यही कहने वाला था, एक बगैर मसाले की ट्राई करें। क्या ख्याल है, लग रही है चिकन हलीम? सुबह मानना पड़ेगा है ना, जबरदस्त। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये बोल नहीं सकते कि आप लोग भी ट्राई करें और यहाँ पर आए, क्योंकि ये तो यूसुफ भाई ने बनाया साल के साल बनती तो आपको है। चैनल पे जाना पड़ेगा इनके, बिल्कुल चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, और ऐसी चीजें सीखनी है आप तो उनके चैनल पे जाकर सीखें। बाकी हमें देर ज्यादा, मिलते हैं अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।